क्लास में बताया था ओटी पीटी एंड एसटी। तो ओटी पीटी एंड एसटी, ओटी पीटी बता चुका हूँ, अभी हम एसटी, स्पीच थेरेपी वाक चिकित्सा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा जानिए क्या है। इसकी परिभाषा स्पीच थेरेपी का देखिए, जिन्हें बोलने सीखने में, माने जिनको बोलने सीखने में कठिनाई है या आंशिक रूप से कम सुनते हैं या दुर्घटना होने के कारण सुनने की क्षमता या बोलने की क्षमता चली जाती है, तो इसके लिए जो हम अगेन प्रयास करते हैं ताकि वो सुनने बोलने की क्षमता रिकवरी हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीच थेरेपी, वाक चिकित्सा। अब ये है क्या, व्हाट इज, व्हाट इज, देखिए स्पीच थेरेपी को स्पीच लैंग्वेज थेरेपी भी कहते हैं। स्पीच थेरेपी को स्पीच एवं लैंग्वेज थेरेपी भी कहते हैं। लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी बोथ आर सेम, ठीक है, स्पीच थेरेपी कहिए या स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी कहिए, बोथ आर सेम। देखिए इसमें क्या होता है, जो स्पीच थेरेपी प्रदान करता है, जो देता है, उसे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, उसे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, SLP क्या बोलते हैं, SLP, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। अब आप क्लियर हो गए हैं कि स्पीच थेरेपी का परिभाषा क्या है, कि जब बोलने सुनने या किसी कारण से क्षमता चली जाती है, गिरने से, एक्सीडेंट से या कंजेनिटल, तो पुनः उसको बहाल करने के लिए जो हम प्रोसेस और प्रक्रिया अपनाते हैं उसे स्पीच थेरेपी कहते हैं। ये है क्या है, तो यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम गई क्षमता को लाते हैं, इसे स्पीच लैंग्वेज थेरेपी भी कहते हैं। आप जो थेरेपी देता है उसे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट यानी SLP कहते हैं। ये आ जाएगा एक नंबर का SLP फुल फॉर्म, तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, राइट। अब देखिए थेरेपिस्ट भी बोल सकते हैं ना, लेकिन हम लोग को तो सब कुछ जानना होगा ना, क्वेश्चन तो घुराम सुना के देता है ना, दे देगा SLP फुल फॉर्म लिखे, क्या लिखेगा, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, एक नंबर मिलेगा। अब जो है लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में जानते, इसका क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य है। देखिए इसका लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि समन्वय बनाने के लिए, ध्वनि को बाहर करने के लिए, दोहराने के लिए या नकल करने के लिए, हमारा जो स्पीच मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं स्पीच मैकेनिज्म, हायर पैलेट, लोअर पैलेट, टंग, टीथ, लिप्स, दे आर द स्पीच मैकेनिज्म, हम बताएंगे इसके आगे बताएंगे इस पर। तो हमें इसमें सुधार लाने के लिए हम स्पीच थेरेपी देते हैं। तो इसका लक्ष्य क्या होता है कि हम एक, चूंकि बच्चों में नकल करने की आदत होती है, एक सामने मिरर ले लें, क्या ले लें, मिरर, ठीक है, मिरर लेकर के सामने बैठ गया, ए हो गया SLP, ये हो गया SLP, ठीक है। और ये सामने जो आप
जैसे एक्टिंग करके बोल रहा हूँ वैसे ये भी करेगा, माउथ एक्सरसाइज। आ आ ए ओ भावी बार लोग जब बोलते हैं ए ई आई ओ यू या ओ आ ए ए, तो हम ये प्रयास करेंगे और उसमें सुधार लाने के लिए हम टेप रिकॉर्ड रखेंगे और हम टेप करेंगे। या मोबाइल है, मोबाइल में टेप होता है, मोबाइल टेप करेंगे और देखेंगे, देखो आप कैसे बोले हो सुन। तो ये उसकी वॉयस को सुधार करने के लिए अति आवश्यक है। ब्रीदिंग ठीक करने के लिए ही स्पीच थेरेपी की सख्त आवश्यकता होती है। ढंग से फ्रीक्वेंसी भाषण, लगातार भाषण या कन्विंसिंगली बोलने के लिए भी स्पीच थेरेपी की सख्त आवश्यकता होती है। अब इसके लाभ क्या है स्पीच थेरेपी से? बहुत लाभ है। पहला लाभ है कि व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्ति भावनाओं को व्यक्त करता है। जब आप बोलिएगा तब ना अपने विचार भावना को व्यक्त करिएगा, बोल ही नहीं पाइएगा तो ढंग से आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो पहला बेनिफिट है। दूसरा है कि स्पष्ट भाषण देने के लिए, लेक्चर देने के लिए, बोलने के लिए हम लोग सीखते और समझते हैं। स्कूल पूर्व कौशल होती है। जब बच्चा बोलेगा नहीं तो उसको स्कूल में कैसे भेजे? बच्चे को स्कूल में कब भेजना है? जब हाँ, जब कुछ बोलने के लायक हो जाता है और समझने के लायक हो जाता है। हाँ, इसके बाद बेहतर स्वर गुणवत्ता। बेहतर स्वर गुणवत्ता माने जो आपके स्वर में है उसमें वह गुण हो। धारा प्रवाह भाषण, अंडरस्टैंड, एंड स्वतंत्रता की वृद्धि बोलने की आजादी। तो ये लाभ होता है हमारा स्पीच थेरेपी से। अब आपको हम बता दें स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर। स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर, स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर, स्पीच एंड हियरिंग, इसको हिंदी में बोलेंगे भाषा और श्रवण विकार, माने भाषा बोलने का सुनने संबंधी विकृति। वाह वाह है, तुम तो बेटी पढ़ती हो तो मन से पढ़ती हो, अच्छी बात है। तो देखिए, एक होता है हमारा ग्रहणशील भाषा और एक होता है अभिव्यंजक भाषा, यानी जो हम ग्रहण करते हैं रेस्पेक्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, समझिए। तो उसमें क्या होता है कि हम कैसे किसी की भाषा को ग्रास्प करते हैं और हम अपनी भाषा को किस तरह से दूसरे तक समझाने के लिए पहुंचाते हैं। हम अभी बोल रहे हैं, अगर स्पीडली हम बोल करके चले जाए तो शायद आपके मस्तिष्क में कुछ बातें रहेगी, एक आध परसेंट, कुछ नहीं रहेगी। और अगर हम फोनेशन दे करके रुक रुक करके आपको बता रहे हैं तो शायद हमारी बात आपको समझ में कुछ देर तक के लिए आ पाएगी, फिर उसको रात में रिकॉग्नाइज करिए, परमानेंट लॉग में सेट करिए। तो ये है आपका स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर। आगे है स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन, बोलना और सुनना का कम्युनिकेशन। देखिए ये बहुत बड़ी कला है। हाँ, क्या कला है कि हर व्यक्ति जो है ना कम्युनिकेट करता है। जैसे कुत्ता कुछ कहना चाहता है तो अपनी पूंछ हिला करके, नहीं, वे कुछ कहना चाहता है। उसके बाद और उसको ज्यादा इच्छा तो कुछ कहने को होता है तो कुछ सुन कर भी है। तो हर व्यक्ति अपने संप्रेषण को कोई बोल करके, कोई नहीं बोल करके, यानी मौखिक अमौखिक, इसके दो रूप है। हाँ, भर्बल और नर भर्बल, ये दो कम्युनिकेशन है स्पीच और लैंग्वेज का। मौखिक जो हम लोग बोल करके देते हैं और नॉन वर्बल जो हम इशारे से करते हैं या अपने प्रयास से बताते हैं, है ना। तो ये होता है स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन। अब हम तब तक के लिए आज का वीडियो को हम विराम देते हैं।
जय हिंद।